लाइन जैसे थी ना सीधी बना के रखो। एक नंबर जैसे लंबी पीछे तो समझो ना आगे आती है लेफ्ट से गिनती शुरू कर एक दो तीन समझ गए एक दो तीन लंबा एक से लेफ्ट एक एक दो तीन चार पांच अशना नहीं मैं तोड़ दूंगा इस बिल्कुल साइलेंट हो जाओ समझ गया कि भूख भी ना मार दी होती फिर ऐसी मैं टंगा दूंगा फिर अपन फायरमैन बनेंगे ना जो बनेगा अरे बनवागे इसके लिए करना क्या होगा आपको करना ये होगा जो कमांड मिले उस पर वर्क करना होगा क्या करना होगा आप कमांड पे वर्क नहीं कर रहे तो कैसे फायरमैन बनोगे ये बताओ आपको सामान दिख गया ग्राउंड दिख गया मैं आपको गाइड कर रहा हूँ सारी चीजें प्रॉपर हो रही है आप उस पर वर्क नहीं कर रहे इसका मतलब आपको फायरमैन लगना ही नहीं है फायरमैन नहीं लगोगे तो क्या फायदा तो फायदा नहीं है ना अरे घबराना पहले तो पे निकालना है मन से आप ग्राउंड में हो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ सारे के सारे एकदम शंको को मन दूर कर दो ये दौड़ कई बार ये होता है दौड़ कदम ताल कर रहे हैं देख रहे हैं मैंने एक लो ही कर दी दौड़ लगा रहे हो तो एक मैं लगा लूँ लंबी कूद कर रहे हो अकेले कुछ नहीं है होश के साथ एक फौज की तरह ना उसी तरह आपको काम करना पड़ेगा रिसल दे रहा हूँ एक दो तीन चार पाँच लास्ट में जो गिनती आ रही उसको बोलना है अप फॉर एग्जाम्पल अगर 30 आ रहे हो 30 अप समझ गए ना बस यही तो करना है घबराओ मत गलतियाँ होगी सुधारेंगे पनिशमेंट नहीं देंगे सावधान विश्राम की पोजीशन मैंने आपको बताई कि आपका केवल और केवल कान ही मेरी तरफ होना चाहिए गर्दन आपकी स्टेट होनी चाहिए मेरे तरफ देखो नहीं देखो कोई मायने नहीं रखता सुन रहा है ना अगर नहीं सुन रहे तब बोल रहा है सुनाई नहीं देता
सावधान हो रहे हो तो बिल्कुल आपकी एडिया मिली हुई थी, आप सामने देख रहे हो, सुंदर लगनी चाहिए, लगना चाहिए कि आप खड़े हो। विश्राम बोल दिया, पोजीशन ये होकर के बिल्कुल सामने देख रहे हो, खड़े लगे रहना चाहिए, आप विश्राम खड़े हो। अगर आपको लाइन तोड़ के लिए बोल दिया जाए उसके बाद में कहीं बैठो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन फायर में लिफ्ट सीखेंगे और उससे पहले सावधान विश्राम, दाएं से बाएं गिनती शुरू करना जरूरी है, उसके बाद चारों तरीके पांचों तरीके बताऊंगा, उसके बाद फायर में लिफ्ट करनी, उसके बाद होज का पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे। दो टॉपिक प्रैक्टिकल के हो जाएंगे और सारे फिजिकल के हो जाएंगे, रूटीन टू रूटीन, रूटीन टू ऐसे करते रहेंगे, पर सीखना जरूरी है, समझ गए ना? यस सर। लंबी विसल का मतलब समझ लेना कि कमांड दे रहा हूँ, समझ गए ना? छोटी विसल का मतलब समझ लेना कि कमांड देने के बाद में आपको बोला है कि आप उसके वर्क करो, समझ गए? और लंबी विसल कब दी जाएगी? जैसे विश्राम हो आप, तब तो एक छोटी विसल में सावधान हो जाना, छोटी विसल में विश्राम हो जाना, सावधान हो जाना, और लंबी विसल दे दी, समझ जाना कि लेफ्ट से गिनती से शुरू करने के लिए बोल दिया, और एक छोटी विसल देते ही बोल देना कि स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए ना? स्टार्टिंग में एक से चार बंदे आगे आएंगे, ठीक है, चारों तरीके बताएंगे, फिर एक से चार आएंगे, चारों तरीकों, चार चार का ग्रुप है ना, सेम टू सेम चार उधर चले जाना, बताया था ना कल, जो नए हैं ना उसको बता देना, और उसके बाद फायरमैन लिफ्ट करके 100 मीटर दौड़ने हैं, कितने टाइम में? एक मिनट से वो रन से कम आ रहे हैं, फिर एक मिनट में आ रहे हैं, उसके ऊपर कितने नंबर आएंगे? 15, 1 मिनट 20 सेकंड आएंगे, उसके कहेंगे 10, उससे अब हो जाओगे, उसके बाद में 8, उसके बाद में 0, समझ गए ना? चार चार का ग्रुप होगा, फायरमैन लिफ्ट के कितने तरीके से वो सीख लेना, वो क्यों सिखाया जाता है, ताकि आपको कोई सही तरीके से दौड़ा दे, दौड़ लेना, और फायरमैन लिफ्ट लास्ट में दौड़ा देंगे आपको, चार चार का ग्रुप हो जाएगा, समझ गए ना? क्रू बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? क्रू नंबर से सुन लेना कि क्रू नंबर एक, तो पहले क्रू में गिनती स्टार्ट करें, क्रू एक से चार गिनती शुरू करेगा, शुरू कर, मेरा आदेश ये है, क्रू में एक से चार गिनती शुरू करेगा, शुरू कर, तो उसमें क्या होगा, लंबी मिशन में ये मैंने आदेश दिया है, एक मिशन में आपको एक से चार गिनती शुरू करनी है, समझ गए ना? अरे अपन क्या कर रहे हैं, इन चारों मेंबरों को लाइन से निकाल करके इनको एक ड्रिल के लिए अभ्यास के लिए लाइन से बाहर निकाल रहे हैं,
इनको एक तरीके से बाहर निकलना होगा, समझ गए ना? यस सर। अरे समझ रहे हो गे? यस सर। समझ रहे हो गे? यस सर। विश्रम सावधान फायर में लिफ्ट स्टार्ट करेगा, स्टार्ट कर एकदम आगे आ करके एकदम आगे आओ, अब बोल के एकदम आगे आओ, उसके बाद में आप स्टार्ट करो, फिर आप लिफ्ट हो जाओगे, उसके बाद में आप प्रारंभ करो, अब एक अपने आगे दूसरे अपने बाद स्टार्ट करो, दोबारा दो नंबर एक विश्राम सावधान टू नंबर एक फायर में लिफ्ट के लिए स्टार्ट करेगा, स्टार्ट कर अप 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 बोलते हैं आपको, ठीक है ना? उसके बाद अभी से आप दोस्त करने का कुछ या यहाँ बता दो कर लो, एक बार देख लो सभी, है ना? अरे देख लोगे ना? नहीं देख लो, स्टार्ट करो, तो इधर हो जो साइड में हो जो दो साइड में हो जो दो बताते रहो जोर जोर से बोल कर, कौन सा क्या तरीका है जोर जोर से बोल के, अरे बोल के बहुत जोर से बोल के, दो मैंने बताया ना वही जो आप कैंपस गिर जाओगे, अरे क्या कर रहे हो अभी, क्या कर रहे हो अभी, जो घायल व्यक्ति पड़ा है इसको कैजुअलिटी को उठाने के लिए क्या कर रहे हो, कार में लिफ्ट कर रहे हो, कैसे उठाना देखो भाई, अपने कंधे पे कैसे उठाना है उसके बाद में जोड़ना होता है, कंधे को उठाना सीख लो, सिखाओ देर को सीधा करो, बैंड करो अभी देर को, बीच में जाकर बाद में आराम से, ठीक है? दोनों घुटनों को ऊपर से यहाँ से पूरे जोश से शाबाश लगा ले अपने जाति के, ये राइट हैंड ले, बीच में से पैर को बिल्कुल ऐसे करके क्या करोगे, जगह बना लोगे, थोड़ा नीचे झुके हैंड को उठा के, अब राइट हैंड को इसके नीचे से लेकर के जोर से उठा करके बीच में से फिफ्टी फिफ्टी दर्श कर लो शाबाश, उसके बाद में जाओ जाने के बाद में यहाँ वापस आओ, वापस जैसे लेता हूँ एक फिर का कम्प्लीट हो गया ना, ये होता है फायरमैन लिफ्ट, क्या होता है दो तरीके आप होता है दो सॉरी फायरमैन स्ट्रेचर लिफ्ट, क्या होती है? अरे अपने पास में स्ट्रेचर नहीं है तो उस स्थिति में अपने को इस व्यक्ति को दो व्यक्तियों को द्वारा किस प्रकार से लेकर के जाना है, समझ रहे हो ना? बैठे अपने हो पैर दुख कैसे तारा, अगर बैठ नहीं है तो आप ग्राउंड से लगभग 200 मीटर दूर बैठोगे ताकि औरों पे भी असर रह पड़े आपकी छाया का, क्योंकि ये क्या है जवान, जवानों ने आलस पसंद कौन नहीं, कोई दिक्कत नहीं आपको, अगर चोट आप लेक्स होकर के वहां बैठ लीजिए, अगर आपको देखना है तो आप एकदम तने हुए खड़े रहिए, नेक्स्ट आराम से ना, अब स्ट्रेचर का क्या होता है, अपने पास में स्ट्रेचर नहीं है और व्यक्ति को स्ट्रेचर की तरह ही लेकर के जाना है तो वो तरीका कौन सा होता है देख लीजिए, माइंड में रखना है, घबराना नहीं है, उस टाइम याद रखना है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तब याद रहेगा, कोई सा तरीका पहले करवा सकते हैं, उनका माइंड पे डिपेंड करता है, दिया एक है चारों में से कोई तरीका हो सकते हैं, अगर दो व्यक्तियों को कैसे करने हैं, अगर आपको वहां बोल देना कमांड मिल जाए कि फायर में स्ट्रेचर लिफ्ट आपको करनी है, भाई आपको फायर में लिफ्ट करनी है एक व्यक्ति के एक द्वारा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दूसरा तरीका भी मिल जाए तो इस तरीके से दौड़ करके 100 मीटर जाने जा सकते हो ना, शाबाश, तो हो गया ना, अब क्या करोगे, दो हाथ का मतलब हो गया कि व्यक्ति ऊपर बढ़िया तरीके से माइंड भी काम कर रहा है, सुन भी रहा है, पर बेचारे से चला नहीं जा रहा, क्या नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, उस स्थिति में क्या करेंगे, दो हाथ को बंधन करके उसका वेट भी है व्यक्ति को आसानी से क्या कर सकते हैं उठा सकते हैं, वो कौन सा तरीका होगा बताओ,
टू हैंड लिफ्ट है, अरे बताओ, शाबाश, करो स्टार्ट। बढ़िया तरीके से दोनों हाथों को क्या करेंगे, बाजू को लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद उसको बोलेंगे ऊपर बैठो भाई, चला नहीं जा रहा, और दोनों हाथों को उनको क्या करेंगे, शाबाश। अभी अपन क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी देखे जा सकते हैं, ये हो गया टू हैंड लिफ्ट। क्या हो गया, अरे बोल क्यों नहीं रहे, अभी करेंगे थ्री हैंड लिफ्ट। क्या करेंगे, एक तरीका और है, कल मैंने बता सोचा भी था, वो तरीका और थ्री हैंड लिफ्ट बता भाई, कल वाला बताया था वो बता, एक तरीका और है ना, तीन हाथ को लॉक करना कर, अरे आपका ऐसा पकड़ो, अभी से ये क्या हो गया ना, अरे दिख रहे हो गे, अरे दिख रहा है गे, कितने हाथ हो गए, कितने हाथ हो गए, तीन हाथ, तीन हाथ पे व्यक्ति को उठा करके ले जा सकते हैं ना, अरे ले जा सकते हैं गे, आवाज देख करने लगे, सुन लीजिए सकते हैं, जा सकते हैं सर, अभी करो स्टार्ट। अगर वेट थोड़ा और ज्यादा है तो तीन हाथ का प्रयोग करके अपने ले जा सकते हैं, कंप्लीट है, शाबाश। देख लेना, चार चार को अलग अलग जगह जाकर करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा वैसे सीखना है, और उसके बाद में लाइन बना करके सेम टू सेम उठा करके 100 मीटर दौड़ाऊंगा, फिर करेंगे होज। ये हो गए चार, पहले दिखाओ इनको, अरे दिखाओ तो सही इनको, आप देख लिया, बिठा दिए और चाल गया गाड़ी बना दी, इनको बताओ क्या करोगे, तरीका बताओ, एंटी क्लॉक और एंटी दोनों तरफ से आप क्या करोगे, विपरीत दिशा में दोनों बाजू को लॉक कर लोगे, और उसके बाद में उसका एक हाथ पकड़ लो, और इधर वाले का एक हाथ, चारों का एक कड़ी बना लो, समझ गया, चारों को दिखाओ, दिखाओ साइड, उनको देखो, सबको दिखाओ, सही है ना, होती है बार में चार हाथों से लिफ्ट करना, फोर हैंड लिफ्ट, क्या होती है, अरे जोर से बोलो, फोर हैंड लिफ्ट क्या होती है, क्या होती है, क्या होती है, तालियां बजाओ, शाबाश। ये हो गए, अब एक और बता दो, यही मानव वैसाखी, क्या रहे टॉपिक लगता है अपना, मानव वैसाखी क्या लगता है, उसमें क्या होता है, अगर व्यक्ति एक पैर की चोट लगी है नीचे, कल बताया था वैसे बैठ बाबू, कल बताया था ना नीचे बैठ जा, और एक बैठे देखो, एक यहाँ एक दीवार बनो, क्या बनोगी, दीवार इधर, तू यहाँ खड़ा है तो एक क्या दीवार है, क्या है, पीछे जाना, जो पैर को चोट लगी है उसको थोड़ा ऐसा महसूस कर दिखना चाहिए कि कौन सी चोट लगी है, इसको चोट लगी है, या इस वाले पकड़ लो ताकि चलने में ऐसा नहीं, इस वाले पकड़, हाँ मैं बताऊंगा ना कैसे, अरे दिख रहा है ना, मानो वैसा ही करेंगे, अब क्या करेंगे, पास में जाएंगे, पास में जाने के बाद में धीरे से इसको क्या करेंगे, पहले पूछेंगे कौन से पैर की चोट लगी है, क्यों नहीं चल पा रहे, समझ गए ना, यानी अपने को बहुत सारी एक्टिविटी करनी है जिससे इसको ज्यादा जल्दी से अपन बाहर निकाल सके, उसके बाद में धीरे से इसको जो आता ना वो सेम टू सेम अपने गले में लेकर के, और राइट हैंड का जो यहाँ बेल्ट है ना इसका, बेल्ट को टाइट पकड़ेंगे, टाइट पकड़ के धीरे से खड़ा कर लेंगे, और ये स्थिति सेम रखनी है, ये स्थिति क्या रखेंगे, सेम, और इस पैर पे उसको बोलेंगे पैर रख, इस पैर पे बोलेंगे क्या बोलेंगे, पैर रख, ये पैर बराबर करके इस पैर को जोर से उठाओगे, थोड़ा आगे चलोगे, समझ गए ना, उसको बोलोगे वो पैर भी साथ साथ में ले आओ, उसको जोर से उठाओगे साथ साथ में, ये अपना हैंड भी साथ में, ये इसका राइट हैंड और राइट पैर दोनों साथ में काम करना चाहिए, जोर से उठाओगे चले, जोर से उठाओगे चले, जोर से उठाओगे चले, ये आपको प्रक्रिया करनी है, समझ गए ना, करके दिखाओ बढ़िया लेवल से, नीचे बैठो, कौन से पैर के चोट लगी है उसको बचाते हुए खड़े करो धीरे से, हाँ यहाँ कंधे पे हाथ रख के पीछे से हाथ लेजे, शाबाश, अब धीरे से बोलो उसको पकड़े, उस पैर पे जो सही है ना उस पैर पे जोर दो, पकड़े जो, शाबाश, अब इसको बोलो धीरे से, ये पैर है ना इस पैर पे रखाओ, शाबाश, अब क्या करना है, ये पैर बराबर में जाओ, बराबर में जाओ, अब इस पैर को जोर से आगे लेके जाओ, अरे ऊपर को आपको ये पैर आपको नहीं दिखा, इसे प्रॉब्लम करो, इस पैर को थोड़ा आगे लेके जाओ, अरे प्रॉब्लम करो जाओ, हेलो
हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ बोलो 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 बोलो।